नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूरिक एसिड। कई बार हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और बहुत परेशान होते हैं। हम बहुत जतन करते हैं यूरिक एसिड को नॉर्मल रखने के, कई बार हमारे जतन हमारे काम नहीं आते। आइए मिलते हैं डॉक्टर निष्ठा जयदीप कलम्बले से और बात करते हैं कि यूरिक एसिड को नॉर्मल कैसे रखा जाए। डॉक्टर निष्ठा एक मानवीय होम्योपैथ डॉक्टर हैं और पिछले 10 सालों से पुणे में प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने कर रखा है डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। डॉक्टर निष्ठा, थैंक यू। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यूरिक एसिड। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड ये होता क्या है। यूरिक एसिड के बारे में अगर मैं बोलूं तो एक कंटेंट है जो कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। तो यूरिक एसिड अब कैसे बनता है और इसके बढ़ने या घटने से क्या क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। यूरिक एसिड जो है वो एक हमारी बॉडी में प्रोटीन से प्यूरिन कंटेंट होता है, उससे मिलता है। तो जब हम प्रोटीन्स के जो फूड इनटेक हमारी होती है उससे नॉर्मली भी प्यूरिन हमारी बॉडी को मिलता है। प्यूरिन बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में हमारे काम करता है बॉडी के लिए। तो जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो जब लिवर में होता है तो लिवर में मेटाबॉलिज्म उसका पूरा होने के बाद, पूरी प्रोसेस होने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको नाम दिया गया है यूरिक एसिड का। तो अगर हम एक सर्टेन अमाउंट में, एक लिमिटेड मात्रा में अगर हम प्रोटीन खाते हैं, प्यूरिन हमारी बॉडी को मिलता है, तो एक नॉर्मल एक्सटेंट तक ही यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट या फिर हम बोलते हैं कि फ्लश आउट हो जाता है, अपने आप नॉर्मली होता रहता है। तो जब यही यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हमने नाम दिया है गाउट। नॉर्मली इसको हम गाउट के नाम से जानते हैं, हिंदी में हम इसे गठिया के नाम से जानते हैं और मेडिकल टर्म्स में हम इसे हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जानते हैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज में। तो ये यूरिक एसिड है और ये इसका काम है या फिर ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड क्या होता है और जब ये एबनॉर्मल हो जाता है तो कैसे तकलीफ देता है? ओके, तो देखिए यूरिक एसिड के जो लेवल्स है ना, ये मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मेल के लिए अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो इसकी रेंज जो है वो 4 से 8.5 per DL तक होती है, और फीमेल में अगर मैं आपको बताऊं तो वो 2.7 से 7.3 per DL तक होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज है, बट अगर हम वही एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो एबनॉर्मेलिटी के लिए, लाइक कोई साइन या सिम्टम या फिर कोई भी लक्षण ऑब्जर्व करने के लिए, ये जो मैंने लास्ट वैल्यूज बताई हैं मेल और फीमेल की, कि मेल में 8.5 और फीमेल में 7.3, ये वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये पहले ही बॉर्डर लाइन पे है। यूरिक एसिड के लिए कहा जाता है कि अगर ये 6, 6.8 या 7 तक भी पहुंच जाता है ना तो भी इसके पेशेंट्स में जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो क्या सिम्टम्स है जिससे पता चलेगा कि यूरिक एसिड के एबनॉर्मल लेवल्स पे है? तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यूरिक एसिड, हाई रेंज ऑफ यूरिक एसिड का जो एक्शन है ना, वो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स पे होता है, ठीक है। तो जॉइंट्स में भी मैं बोलूंगी जो सबसे पहला फर्स्ट अफेक्टेड जॉइंट होता है ना बॉडी का, वो होता है ग्रेट टो का, जो पैर का अंगूठा होता है उसका जो जॉइंट है सबसे पहले वो इफेक्ट करता है, और वो इफेक्ट करता है और उसमें सडनली बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सीवियर पेन, बहुत दर्द करता है, वो ठनकता है, ठस्टस की तरह उसमें दर्द होता है और पेशेंट वो सहन नहीं कर पाता। और जो ये एपिसोड, जो सडन एपिसोड होता है ना, इसको एक्यूट एपिसोड ऑफ गाउट कहा जाता है। और उसके अलावा मैं बोलूं तो जैसे मैंने बोला कि ये किडनी के द्वारा एक्सक्रीट मतलब फ्लश आउट होता रहता है, तो अगर यही यूरिक एसिड का रेंज बढ़ता जाता है, मतलब वो प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो किडनी में भी इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद फिर किडनी स्टोन्स डेवलप होने लगते हैं। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री रहती है ना, तो वो बिकॉज ऑफ हाई रेंज, परसिस्टेंट हाई रेंज ऑफ यूरिक एसिड की वजह से हो सकती है। तो ये मेनली जो ये है सबसे ज्यादा अफेक्टेड चीज है वो यूरिक एसिड की, ये दोनों चीजें अफेक्ट होती हैं। तो हाँ क्या हाँ कॉजेस है, किस वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में? ओके, कॉजेस में देखिए मेनली जो हाई लीडिंग कॉजेस हैं वो तीन चार कॉजेस हैं। एक तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो होते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में क्या क्या आता है, ओबेसिटी आती है, ठीक है, हाई वेट गेन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेट है किसी का,
या फिर डायबिटीज है किसी को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो रहे हैं, या फिर किडनी डिसीजेज है, किडनी की कोई बीमारियां हो रही हैं ऑलरेडी, तो उसमें यूरिक एसिड ज्यादा करके हाई पाया जाता है। खाने की चीजें भी हैं ऐसी, फूड प्रोडक्ट्स जिसके खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। फूड प्रोडक्ट्स के लिए हाँ मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि कुछ सर्टेन चीजें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे बढ़ता है या फिर एक बार बढ़ गया है तो उनको अवॉइड करने से हम इसको कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है तो रेड मीट का आता है, ज्यादा करके नॉन वेजिटेरियन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वेजिटेरियन में नहीं बढ़ता, सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में बढ़ता है, पर जो रेशियो है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का तो वो मोर टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स में रहता है। तो रेड मीट जो है वो सबसे पहले अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो रेड मीट में भी बोला गया है कि वो जो प्यूरिन का कंटेंट है ना, तो वो रेड मीट वाले जो हम खाते हैं उसमें जो ऑर्गन पार्ट्स रहते हैं, लाइक कुछ लोग प्रेफर करते हैं लिवर या फिर किडनीज खाना रेड मीट के पार्ट्स में, तो उसमें हायर अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है जो कि हायर अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन करता है। और दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि सी फूड में भी प्रॉन्स है, लॉबस्टर है, इसमें भी हायर अमाउंट ऑफ प्यूरिन रहता है, जो कि फिर से वापस है कि आप यही खाओगे तो वापस से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, अगर आप इसको स्टॉप करोगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा इन चीजों का। अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल हमेशा एबनॉर्मल रहता है या बहुत समय से एबनॉर्मल चल रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट्स लॉन्ग रन ऑफ लाइफ क्या हो सकते हैं? तो अगर बहुत लंबे समय तक यूरिक एसिड हाई रहता है, तो हाई का भी एक रेंज है कि एक लंबे समय तक अगर यूरिक एसिड का, जो मैंने एक नॉर्मल रेंज बताई थी कि वो अगर 8 के ऊपर 8 per dL के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है, तो वहां पे मल्टी ऑर्गन ये जो अफेक्शन है इसका होने लगता है। दूसरी चीज है जैसे मैंने बोला कि अगर लॉन्ग रन तक रहता है तो किडनी डैमेज होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर यही जो मैंने बोला कि इसका पहला रोल है कि ये सबसे पहले जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन होने लगता है, जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है यूरिक एसिड, तो जॉइंट्स में इकट्ठा होने की वजह से जो गठिया कहा जाता है, जॉइंट्स टेढ़े होने लगते हैं या फिर उसमें नोड्स तैयार होने लगते हैं, गांठें गांठें तैयार होने लगती हैं, और उसमें एक लंबे समय तक एक दर्द, एक अकड़न जॉइंट्स में बनी रहती है। जब भी कोई बीमारी किसी को होती है तो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कोई घरेलू नुस्खे अपनाएं या कोई नेचुरल तरीका अपनाएं जिससे कि उनकी प्रॉब्लम दूर हो। डॉक्टर के पास जाना 90% लोग अवॉइड करते हैं, तो क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे कि हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं? देखिए नेचुरल अगर मैं बात करूं विदाउट मेडिसिन अगर आपको कंट्रोल करना है, तो सबसे ज्यादा जो मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है वो आपका फूड है, आपका लाइफस्टाइल है। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधारेंगे, आप अपना जो दिन का फूड इनटेक है वो सुधारेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छा फर्क देखने में आया जाता है। और इसके अगर मैं आपको टिप्स थोड़े से देना चाहूँ, तो जैसे मैंने बताया कि इसके जो कॉजेज में है, जो इसके कारण है बढ़ने के, उसमें है कि अगर आप ओबेज हो, आपका वजन ज्यादा है, आपको डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई चल रहा है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज है कि इन चीजों पे काम करना विद योर फूड, मेडिसिन से नहीं। मेडिसिन तो हर चीज के लिए है, पर अगर आप डाइट से इसके ऊपर काम करना चाहेंगे, जैसे कि वेट बढ़ा हुआ है आप उसको नेचुरली कम करिए, आप आपका बीपी कंट्रोल में रखिए, आप आपकी शुगर कंट्रोल में रखिए खाने के द्वारा, ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि लार्ज अमाउंट ऑफ मील, दिन में 2 बार बड़े बड़े मील्स लेने से अच्छा है आप आपका जो मील है उसको छोटे छोटे पोर्शंस में आप डिवाइड करो, छोटे छोटे मील्स आपने फ्रीक्वेंस मील लेने हैं, ठीक है। उसमें और एक तरीका है, ये तो मील्स का हो गया, आप वाटर इनटेक आपके बढ़ा के रखो, लाइक आप वाटर जितना ज्यादा वाटर लोगे उतना ज्यादा आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। और हम लोग को पता है कि यूरिन आउटपुट से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो सब फ्लश आउट होते हैं। तो अगर आपका पानी पीना अच्छा रहेगा तो आपके यूरिन आउटपुट से जो ये यूरिक एसिड बन रहा है वो फ्लश आउट होता रहेगा, तो वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा कहीं पे और आपकी बॉडी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। कुछ चीजें हैं जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जो खा के उसमें भी आपको यूरिक एसिड में हेल्प होती है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं जो है ना, जैसे विटामिन सी वाले ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, तो ये सब खाएंगे आप, उसमें भी आपको काफी हेल्प होती है कि इसमें यूरिक एसिड कम करने में वो मदद करता है। डॉक्टर, जैसे कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर है मानी हुई, तो हम जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट किस हद तक यूरिक एसिड के लेवल्स को नॉर्मल रखने में मदद करता है और किस लंबे समय तक इसका असर रहता है कि नहीं?
जी, देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो यूरिक एसिड के लिए एक बेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि देखिए यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन को ओवरऑल इफेक्ट करता है। ये नहीं है कि सिर्फ सर में दर्द हो रहा है या सिर्फ कहीं पे, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं, वो ओवरऑल आपको इफेक्ट करता है। और ऐसी बीमारियों के लिए होम्योपैथी हाईली रिकमेंडेड होती है, बिकॉज इट इज वेरी सेफ, बहुत सेफ है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप इसको लंबे समय तक खा सकते हो। दूसरी चीज ऐसी है कि यूरिक एसिड जो है उसमें देखा जाता है कि ये टेंडेंसी हो जाती है बॉडी की कि वो ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बनाती रहती है, बॉडी बनाती रहती है। तो जो ये टेंडेंसी है इसको अबॉर्ट करने को, इसको जो रोकने का काम है ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी कर सकते हैं। ये बाकी के जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स है उससे आपको टेम्पररी रिलीफ तो डेफिनेटली मिलेगा, पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। अगर आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हैं तो आप वो ऑपरेशन करवा सकते हो, कुछ करवा सकते हो, पर जो इसके जो रिपीटेड इफेक्ट्स हो रहा है बॉडी में कि बार बार किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार जॉइंट में सूजन आ रही है, तो ये चीज अगर आपको परमानेंटली खत्म करनी है तो ये सिर्फ आपका होम्योपैथी से ही खत्म होगा। तो पर होम्योपैथी में भी ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें इंडिविजुअलाइजेशन होता है, इसमें एक ही दवा हम बहुत सारी चीजों के लिए देते हैं। तो जो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर की देखरेख में प्रॉपरली किसी डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उनको अच्छे से अपने साइन एंड सिम्टम लक्षण बता के उनके द्वारा ही आप मेडिसिन ले, और वही सबसे ज्यादा हाईली इफेक्टेड और हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन होगी। यहाँ पे बहुत सारे हम मेडिसिन यूज करते हैं, मैं चाहिए तो दो चार नाम बता सकती हूँ। इसमें हम मेनली जो रिकमेंडेड हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन रहती हैं वो उसमें आती है अर्टिका यूरेंस हम देते हैं, उसमें हम फॉर्मिका रूफा देते हैं, बेंजोइक एसिड देते हैं। ये तीन चार मेडिसिन हैं जो हम देते हैं, पर वही है इंडिविजुअलाइजेशन है, हर पेशेंट को वही दवा दी जाएगी ऐसा नहीं है। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व करके आपका केस लेके कौन सी मेडिसिन आपके लिए जो हाईली सुटेबल है वो आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतने अच्छे से आपने बताया। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपको नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।